नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टॉप स्टॉक रिसर्च, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर स्टॉक एनालिटिकल नीड्स। मैं मयूर, और आज आपको बताने वाला हूँ सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। सॉल्वेंसी रेशियो एक फाइनेंशियल रेशियो का पार्ट है जो कंपनी की ओवरऑल सॉल्वेंसी दर्शाने में मदद करता है। जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा, फाइनेंशियल रेशियोज के चार मुख्य पार्ट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वैल्यूएशन रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज और इफिशियंसी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी एंड वैल्यूएशन रेशियोज हमने एक्सप्लेन कर लिए है, आज हम सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में जानेंगे। यदि आप वैल्यूएशन के बारे में जानना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, वहां से आप उन वीडियोज को जाके देख सकते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दर्शाने में मदद करता है, जैसे कि कंपनी उसके इनकम से इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाने में सक्षम है या नहीं है, ये दर्शाने के लिए सॉल्वेंसी रेशियोज का इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशियो मदद करता है। उसी के साथ साथ डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी के पास इक्विटी के मुकाबले डेप्ट्स कितने हैं, यह दर्शाने में मदद करता है। ऐसे कई सारे पैरामीटर्स जानने के लिए सॉल्वेंसी रेशियोज का यूज किया जाता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज और उनमें कौन कौन से रेशियोज आते हैं, उनकी ब्रीफ समरी और वो रेशियोज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। आज मैं सॉल्वेंसी रेशियोज एक्सप्लेन करने के लिए topstockresearch.com इस स्टॉक एनालिसिस टूल का यूज करूंगा। आप अपने किसी भी फेवरेट टूल की सहायता ले सकते हैं। टॉप स्टॉक रिसर्च में जाने के लिए सर्च कीजिएगा topstockresearch.com। उसमें जाने के बाद आप डायरेक्टली टॉप स्टॉक रिसर्च के इस पेज पे आ जाएंगे। सॉल्वेंसी रेशियोज देखने के लिए आपको ट्यूटोरियल्स में जाना है। ट्यूटोरियल्स में जाने के बाद फंडामेंटल्स पे क्लिक करना है, उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज में यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉल्वेंसी रेशियोज और सम ऑफ द की रेशियोज। तो यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियोज क्या है और उसमें कौन से रेशियोज आते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। सॉल्वेंसी रेशियोज मेजर्स कंपनीज एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। तो ये सॉल्वेंसी रेशियोज कंपनी उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने में सक्षम है या नहीं है, ये दर्शाने में मदद करता है। ज्यादातर इन्वेस्टर और क्रेडिटर सॉल्वेंसी रेशियोज का यूज कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस जानने के लिए करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज में डेट टू इक्विटी, शॉर्ट टर्म डेट टू इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज, शेयर होल्डर्स इक्विटी, ऐसे इत्यादि रेशियोज आते हैं। तो हम यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियोज के बारे में जान लेते हैं। डेट टू इक्विटी शोज रिलेशन बिटवीन कंपनीज टोटल डेट शेयर होल्डर्स फंड। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमें यह बताता है कि कंपनी के पास उसके शेयर होल्डर्स के मुकाबले कितना डेप्ट है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बताता है कि कंपनी की फंडिंग ज्यादातर कर्जा लेके यानी कि डेप्ट से हुई है या कंपनी के इक्विटी से हुई है, यह दर्शाने में मदद करता है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है टोटल डेप्ट अपॉन टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल्स पेज आपको डेप्ट टू इक्विटी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि की हाइलाइट्स, लो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कंसिडर एज गुड। तो यहाँ पे दर्शाता है कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यदि बिलो वन है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ हाउ टू यूज डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इफिशियंटली और उसके साथ डेप्ट टू इक्विटी रेशियोज का रेंज इंडिकेटर भी यहाँ पे दे दिया है। इस तरह आप डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे डिटेल में जान सकते हैं। साथ ही में रिलेटेड रेशियो में जाने के बाद आप डिविडेंड कवरेज रेशियो, जो कि सॉल्वेंसी रेशियोज का एक रेशियो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिविडेंड कवरेज रेशियो मेजर द नंबर ऑफ टाइम्स कंपनी कैन पे डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर। तो डेप्ट डिविडेंड कवरेज रेशियो बताता है कि कंपनी उसके इनकम से उसके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने में सक्षम है या नहीं है, और वो कितनी बार कंपनी उनको डिविडेंड पे कर सकती है उसके नेट इनकम से। तो डिविडेंड कवरेज रेशियो निकालने का फॉर्मूला है नेट इनकम अपॉन डिविडेंड पेड। साथ ही हम दूसरा रेशियो देख लेते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेजर हाउ वेल कंपनी कैन पे इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस विच आर कंसर्न विद आउटस्टैंडिंग डेट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि कंपनी उसके इंटरेस्ट को पे करने में सक्षम है या नहीं है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का फॉर्मूला है
EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसी तरह आप ट्यूटोरियल्स में सारे सॉल्वेंसी रेशियो देख सकते हो। यहाँ पे हमने टॉप स्टॉक रिसर्च में ऑलमोस्ट 10 सॉल्वेंसी रेशियोज है जो कंपनी की ओवरऑल सॉल्वेंसी दर्शाने में आपको मदद कर सकते हैं। इसी तरह हम इन सॉल्वेंसी रेशियोज को एक एक करके अगले आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही में TSR स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ इंडेक्स भी एक्सप्लेन करेंगे। TSR स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ इंडेक्स का ओवरव्यू देखने के लिए आपको टॉप स्टॉक रिसर्च में लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद प्रीमियम माई TSR में जाना है और उसमें इक्विटी में जाना है। इक्विटी में जाने के बाद आप यहाँ पे एनालिसिस में फाइनेंशियल्स में जाके यहाँ पे देख सकते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो यह दिखाता है कि एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड का स्टेबिलिटी हाई है। साथ ही में आप यहाँ पे स्टेबिलिटी के सारे रेशो एक साथ, सॉल्वेंसी के सारे रेशो एक साथ देख सकते हो, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो, शॉर्ट टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यह सारे रेशियो आप टॉप स्टॉक रिसर्च में एक साथ देख सकते हो। यही रेशियो हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके डीप में एक्सप्लेन करेंगे, तो इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।